अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एन अदर रिएक्शन वीडियो जी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक व्लॉगर जो कि जी बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग बनाते हैं और बहुत ही कमाल का उन्होंने स्टार्ट लिया। और जो है आज देखेंगे जी उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं और कौन से साल में उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया और कितने उनके व्यूज़ हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जी चलते हैं जी उनके व्लॉग की तरफ। उनका पहला व्लॉग है, उनका नाम है जी जैन अल आबिदीन, जैसे कि आप सब जानते होंगे। बहुत ही कमाल के व्लॉगर हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जैन अल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप सबको अपने गांव में खुशामदीद कहता है। गन्ने की फसल अभी काटी जा रही है और गन्ने काट कर ट्रॉली में लोड किए जा रहे हैं। ये गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा है और ये जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होगा। गन्ने काट कर उनकी साफ सफाई करके ट्रॉली में ये लोड था जी इनका स्टार्ट। ये मेरे पीछे आलू की फसल है और इसको पानी लगाया जा रहा है। अभी हम लोग जिस खेत में खड़े हैं वहाँ पे अभी तरबूज काश्त किए जा रहे हैं। ये तरबूज काश्त किए थे और ये कुछ पौधे निकले हुए हैं और कुछ नहीं थे निकले। अब वो दोबारा बीज बोए हैं। सर्दी की वजह से इनको ऊपर से कवर कर दिया जाता है इन पौधों को, और जैसे ही गर्मी आए तो ये फसल तैयार हो जाए। अब लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है मटर की फसल। आइए देखते हैं। ये देखें, देखें बड़े ही प्यारे अमरूद तैयार हुए हुए हैं। बड़ा जबरदस्त। ये देखें कितने खूबसूरत है फ्रेश अमरूद। ये अमरूद के बाग के सामने ही लीमू का बाग है, काफी सारे इन पे नींबू लगे हुए हैं। फ्रेश नींबू जंगल में से गुजरने के लिए ये जो मैं चढ़ाई चढ़ के आया हूँ ये रास्ता बनाया गया है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो जंगल का मिड पॉइंट है और यहाँ से गुजरने के लिए रास्ते बनाए गए हैं और मेरी चारों तरफ इस वक्त जंगल है। ये जो आप लोग पीछे देख रहे हैं ये है जंगल और आप लोग अब इस तरफ देखें, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काफी 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 ज्यादा खूबसूरत सीन है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, हरियाली ही हरियाली है। ये हमारे गांव का है रोड और हम गांव पहुंच गए हैं और ये है हमारा गांव। ये है जी हमारा प्यारा गांव। चलिए आप गांव की गलियों की सैर करते हैं। गुड स्टार्ट, वेरी गुड स्टार्ट। गलियों की सैर करवाने लगे हैं।
गांव में गोबर के बनाए जाते हैं, पंजाबी में हम इसे कहते हैं टकले। तो ये जब सूख जाते हैं तो इन्हें जलाया जाता है। बड़े ताया जान हैं हमारे डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब और अबू जान मोहम्मद सिद्दीक साहब। नमाज पढ़ के आ रहे हैं अभी मस्जिद से। ये मस्जिद है हमारे गांव की। बस ये हमारा इतना सा ही छोटा सा गांव था। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ज़बरदस्त जी, ये था जी ज़ैनुल आबिदीन का पहला ब्लॉग। और जैसे कि आपने देखा, ये तो बहुत लंबा था, मैक्सिमम 16 से 17 मिनट का ये ब्लॉग था। ये मैंने थोड़ा सा जो है ना, जहाँ जहाँ पे इसने बातें की हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे ये बोल रहा है, वो मैंने चीज़ को जो ना, मतलब वो उस क्लिप को मैंने काट काट के मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है। बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट था, बहुत ही कमाल का स्टार्ट था। मतलब मोटिवेट होना चाहिए यार ऐसे लोगों से, कि उस बंदे ने गांव में रह के मतलब अपना एक पहचान, अपना एक नाम बना लिया। और इसका भाई वो भी जो है व्लॉगर है, उसका जो छोटा भाई है वो भी व्लॉगर है। मतलब तीन भाई हैं, तीनों भाई व्लॉग्स बनाते हैं, बहुत ही कमाल के बनाते हैं। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही गुड, और बहुत ही मेहनत की है आपने, बहुत ही मेहनत की है। दिख ही रहा है कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया और अब आप कहाँ पे हैं मसला से। इसलिए कहते हैं जी, आप जो है अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे वो अल्लाह दे सकता है। कोई भी जो है किसी का नसीब खींच नहीं सकता, खा नहीं सकता, छीन नहीं सकता। बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जितने भी जो है व्लॉगर्स हैं, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया, कहाँ पे उनकी एंडिंग हुई, तो बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे जी एक अगली वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोस मैं शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए जी, अस्सलाम वालेकुम।